बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामुअलैकुम। हम सिक्स क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड सेट और उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है, फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट्स, आप इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट के बारे में पहले ही जान चुके हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। इक्विवेलेंट होता है हमारे पास वन टू वन एलिमेंट्स जो होते हैं उसके, उनकी जो तरतीब है वो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। मीन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम नहीं होते इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। अगर जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी, वो नॉन इक्विवेलेंट सेट होगा। अब हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में उसने दो पेयर दिए हैं। ए सेट दिया है हमें 1, 2 और बी सेट दिया है उसने 1, 3 एंड 7। अब स्टूडेंट हमने ये देखा कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस हम बना के देखते हैं। इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं। जैसा कि हम बी सेट को अगर नीचे लिख लें तो ये 1, 3, 7 ये हम बनाते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। ये देखें, इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका आंसर हुआ ये हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट है हमारे पास। पार्ट सेकंड में उसने फिर हमें दो पेयर दिए हैं। उसने कहा है ए इज इक्वल टू ए एंड बी, 2 इसके एलिमेंट हैं, और बी इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। अब इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो ये इसमें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। और दूसरा, ये एक नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम होना ज़रूरी नहीं है। एलिमेंट सेम किस में होते हैं स्टूडेंट? इक्वल सेट में होते हैं। तो आप देखें, ये 1 एलिमेंट 1, ये 2, ये 2, तो इसमें वन टू वन इट हैज 1, 2, 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट सेट। जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। अब इसमें थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें दो पेयर दिए हुए हैं, और उसने कहा है कि ए सेट हमारे पास है ए इज इक्वल टू -2, -1 -2, -1 0, 1। और इसमें फिर अगेन बी सेट दिया उसने, बी इज इक्वल टू, अब मैंने इसको नीचे लिख दिया 3, 5, 7, 8 स्टूडेंट ये देखा, इसमें ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ये देखें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ये 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, तो ये मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस भी बना के दिखा दी, तो ये हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इसका क्या आंसर होगा? इक्विवेलेंट सेट। फोर्थ पार्ट करते हैं स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास ए सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये होल नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और इसमें बी सेट दिया उसने, बी सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये देखा स्टूडेंट, ये एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन है ये कॉरेस्पॉन्डेंस। 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट इसमें, और इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, तो इसको भी हम कहेंगे यस इट इज़ अ इक्विवेलेंट सेट। स्टूडेंट हम 5 पार्ट करते हैं। इसमें उसने दो पेयर अगेन दिए हैं। 5 पार्ट में कहा है कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ बबल्स ए ई आई ओ यू स्टूडेंट आप ये वॉवल्स याद कर लें,
ये होते हैं ए ई आई ओ यू जो अल्फ़ाबेट हैं हमारे इंग्लिश के, इसको हम वॉवल्स कहते हैं। और इसमें 20 सेट हमें दिया हुआ है, 20 सेट में दिए हैं एल एम एन ओ, एल एम एन ओ। तो इसमें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। ये देखें, ये फाइव एलिमेंट हैं, ये फोर हैं, तो इसको हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। और इसके बाद हमारे पास है फाइव के बाद सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट को करके देखते हैं। द सेट ऑफ फोर नेचुरल नंबर, अब इसने इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे दिए, द सेट ऑफ फोर नेचुरल नंबर। और दूसरा उसने ई सेट दिया, उसने द सेट ऑफ थ्री वाइल्ड एनिमल्स, द सेट ऑफ थ्री वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स कोई भी नाम हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे ये कि ये फोर नेचुरल नंबर हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो इसमें फोर एलिमेंट हैं, इसमें थ्री एलिमेंट हैं। देखें ये हैं एलिमेंट डिफरेंट, ये नेचुरल नंबर, ये एनिमल्स नेम। तो इसको हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। अब लास्ट पार्ट, इसमें सेवन पार्ट है, सेवन पार्ट में उसने पूछा है हमसे द सेट ऑफ फाइव रिवर्स ऑफ पंजाब, द सेट ऑफ फाइव रिवर्स ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब में पांच दरियाओं के नाम। और दूसरा जो सेट दिया उसने, ए सेट हमें दिया है, और बी सेट दिया है उसने सेकंड पेयर में, द सेट ऑफ कलर्स इन फ्लैग्स पाकिस्तान, द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तानी फ्लैग। स्टूडेंट आप जानते हैं द सेट ऑफ ए सेट में कितने रिवर्स होते, सॉरी ए सेट में सेट ऑफ फाइव रिवर्स ऑफ पंजाब, यानी कि इसने पांच एलिमेंट दिए, फाइव एलिमेंट हैं इसमें। और सेट ऑफ कलर इन पाकिस्तान फ्लैग, तो फ्लैग में कितने कलर होते हैं, दो। इस सेट में हमारे पास दो एलिमेंट, ये फाइव एलिमेंट और ये बी में दो एलिमेंट। तो ये हमारे पास वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, तो ये इसको हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट जैसा कि देखा मैंने, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट को डिफाइन भी कर दिया, और कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकूं। तो उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, और कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, और ख़ास तौर पर डेफिनेशन को याद करें। अल्लाह हाफिज़।